सतीश और आप सुन रहे सतीश सोनी के किस्से जो बदल दे आपकी जिंदगी के कहीं सारे हिस्से। कर्म के विधान को बयां करती है दास्ता, आपको बताती है कि कैसे कर्म इंसान का किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बछड़ा अपनी गाय को, अपनी माँ को हजारों गायों के अंदर ढूंढ लेता है और माँ अपने बछड़ों को ढूंढ लेती है, उसी प्रकार इंसान का किया कर्म उसको एक जन्म नहीं दूसरे जन्म में भी जाके उसकी सजा या उस कर्म का जो आनंद है वो जरूर प्रदान करता है। इसी पर एक दास्ता है। कहते हैं कि एक दूर जंगल में एक बाज सांप को लेकर उड़ रहा था, अपने शिकार को उसने पकड़ लिया था और वो उसको लेकर जा रहा था। इसी कश्मकश के बीच में सांप बाज के पंजे से झटपटाकर नीचे गिरता है और जब वो नीचे गिरता है तो ऐसा बताते हैं कि किसी बाइक सवार व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है और उसको काट लेता है। काटने के तुरंत बाद ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही सांप गिरता है बाज वापस उस सांप को उठाकर ले जाता है। घटना में सबसे मुख्य बात यह है कि सांप का गिरना, उस व्यक्ति को काटना और काटने के बाद उसकी मौत होना और तुरंत बाज वापस उस सांप को लेकर जाता है। यहाँ पे समझ ये आता है कि उस व्यक्ति का कोई ना कोई कर्म ऐसा है, कोई ना कोई कर्म का विधान या प्रारब्ध ऐसा है जो उस व्यक्ति की मौत का कारण वो सांप उस थोड़े से वक्त के लिए बना जबकि उसकी मौत नजदीक थी, फिर भी वो उस व्यक्ति से अपना बदला, अपना कर्म छोड़ के नहीं जा सका। तो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा उसको भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं कि यदि कर्म आपके पावन हैं तो कभी भी आपकी नाव डूबेगी नहीं। ना जाने किस रूप में आकर नारायण आपका हाथ पकड़ने के लिए आएंगे और ना जाने किस रूप में आकर आपको नारायण मिल जाएगा और आपकी मदद करने के लिए वो भेष बदल कर जरूर आएगा। इसलिए अपने कर्म को सच्चा रखिए और ऐसा रखिए कि यदि कर्म कल आपको उसका भुगतान करे तो आपको पछतावा नहीं हो। और इसकी शुरुआत आपको आज इसी पल से करना होगी। इसलिए अपना प्रत्येक कर्म, किसी और के प्रति अपनी भावनाएं सोच समझकर ही व्यक्त करें और सोच समझकर ऐसे कर्म करें जो कर्म यदि कल को आपके सामने आ जाए तो आपको उसको भोगते हुए अपराधी फील ना करना पड़े।